ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 8 साल हो गए ये अब तक अधूरा पड़ा है। साहेब बांध सरोवर की स्थिति भी आपके सामने है। यहां के किसानों को, यहां के लोगों को इसका जवाब कौन देगा? दीदी, दीदी, ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे दीदी, बोछोरेर पोर बोछोर धोरे एकटा सेतु तैरी करते पारलो ना तृणमूल। एखन बोलछे, एखन बोलछे उन्नयनेर कथा। और इसलिए
आज मैं पुरुलिया के लोगों को, पूरे जगल महल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। यहां पुरुलिया में तो टूरिज्म की भी इतनी संभावना है, यहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र जैसा ही जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकारों ने वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं।